दोस्तों क्या आप जानते हैं मकड़ी अपना जाल क्यों और कैसे बनाती है? चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है और इस जाल में कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं और इसका सेवन करके मकड़ी अपना पेट भर लेती है। मकड़ी के शरीर से एक रेशमी धागे जैसा द्रव्य पदार्थ निकलता है जिसे स्पाइडर सिल्क भी कहा जाता है और इसी पदार्थ का इस्तेमाल करके मकड़ी अपना जाल बुनती है। यह पदार्थ काफी चिपचिपा होता है और जब मकड़ी जाल बुनने में इस द्रव्य पदार्थ का इस्तेमाल करती है तो हवा के संपर्क में आने पर यह पदार्थ धागे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों मकड़ी अपना जाल काफी कारीगिरी से बुनती है और इसे बनाने के लिए मकड़ी पहले गोल फ्रेम बनाती है और फिर साइकिल के पहियों की तीलियों के जैसे आपस में जुड़े हुए तार बनाती है, जिसके बाद इस चिपचिपे जाल में छोटे मोटे कीड़े बहुत ही आसानी से फंस जाते हैं और निकल नहीं पाते हैं। जब मकड़ी का शिकार इस जाल में फंस जाता है तो जाल में कंपन होता है और मकड़ी तुरंत अपने शिकार पर हमला बोल देती है और इसे खाकर मकड़ी अपना पेट भर लेती है। और दोस्तों इस जाल की एक खास बात और है कि इसमें मकड़ी खुद कभी नहीं फंसती है, क्योंकि इस जाल के बीच में मकड़ी खुद को निकलने के लिए एक छोटी सी जगह छोड़कर रखती है।